इंटरनेशनल कंपनीज के एड के लिए बहुत डिमांड है। ये किसने बताया? हाँ मुझे पता है, वो गुरुजी है ना प्रदाब को जो स्टोरी बोर्ड भेजा था उनको पसंद आया है। वो डायना को बड़े साहब को प्रोजेक्ट मिला है क्या? बता नहीं सकते, करोड़ों का खेल है। उससे पहले उसको उठाना है ना अशोक। अरे मेरे भगवान, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? गुरुजी पहला मार मेरे को मारेंगे, उसके बाद कुछ नहीं बोल सकते। अगर सच्चाई गुरुजी को पता चला तो वो स्टूडियो छोड़ के चले जाएंगे। डायना को जब लाया वही था बड़े साहब के साथ एग्रीमेंट, वो भी नहीं। सुनने को मिला है कि दोनों के बीच में कोई लफड़ा भी है। हे, एक गुरुजी जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। बहुत सारे लोग जिनके पास आइडिया है उनके पास कोई काम नहीं है आजकल, लेकिन इनके जैसे एक भी कभी नहीं मिलेंगे। हाँ फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फिर भी आएंगे, बता देना उनको। सर जी कुछ तो टेक्निक निकालना सर जी आप। मेरे को और बड़े साहब को कुएं में नहीं ढकेलने का। कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ उसके पहले उनको बता देना। सुनो तुम क्या सोच रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बता देना, हम चले जाएंगे। नहीं 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 सर। उस अशोक का कितने लाख रुपए तुम्हारे पास है पता है? ये स्टूडियो भी उसी से बना है, बता देना उनको। कोई फायदा नहीं इन बातों में। वो सब मत सोचिए, मैं मान लिया, सच्ची में मान लिया सर। कपड़े पहने हो, जाओ बदलो, जाओ जल्दी। ड्राई क्लीनिंग गए हो? तुझे क्यों जाना है? ड्राइवर को दे देता तो बस। बेटा तुम रो मत। पापा। मेरा बेटा कुछ नहीं बोलने का, आपके आंखों में देखने की ताकत नहीं है मुझे। ऐसे नहीं बोलना है पापा। कोई भी बाप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बड़ी बेटियां है। वो सब ठीक है पापा, अभी से सिर्फ अच्छा ही होगा। मैं पापा अभी कब तक बेटा? आपको मेरे बात सुनना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं होगा पापा। मैं सुन लूंगा, जरूर सुन लूंगा। फंस गया बेटा, शहर में कहीं भी जाओ वो पहचान वाला चेहरा, पहचानने वाले लोग, हर वक्त स्पॉटलाइट के नीचे, कहां पैर फिसला पता नहीं बेटा, एक एक करके फिसलने लगा। पहले तेरी माँ, उसके बाद दौलत, इस तकलीफ से मुक्त होने के लिए दारू का सहारा लिया, फिर कभी उससे मुक्त नहीं हो पाया। पापा को माफ कर देना बेटा। ये सब के लिए हमारे पास एक रास्ता है पापा। पापा लिसा कहाँ है पापा? वो वहां कहीं होगा बेटा, वो अभी पुरानी लिसा नहीं है, वो बहुत बदल गई है। वो दोनों बेचारे हैं, उनको नफरत नहीं करना, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे बिना। वो मुझे पता है पापा, मुझे उनसे गुस्सा नहीं है पापा। कार की आवाज सुनकर ही मालूम हो गया है ओ कौन है कि कैसे। ये सब आप घर में कुछ भी नहीं है, जब मैं स्टूडियो से आती हूँ इसी सुगंध आती है। कि ऐसा क्यों डिस्प्ले किया है तू? मेरे बारे में सभी समय याद रहने के लिए उसे यहाँ रखा हूँ।
उसी पेमेंट से ही घर का रेंट भरा, एक महीने रेंट के लिए लैपटॉप भेजा, और कुछ बाकियां है। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर पाई मैंने, उन लोगों का पैर चुना पड़ा। दो दिन के लिए एक दिन फल निकला। तुम मुझे एक बार फोन कर सकती थी, माँ को क्या हुआ? अभी सब ऐसे नहीं है, थोड़े दिन से बहुत ज्यादा हो गया। चावल सब है ना घर पे? थोड़ा सा है, मगर गैस खत्म होकर दो दिन हो गया है। लीसा, आप पापा इज हेल्पलेस, माँ भी बहुत हेल्पलेस हो गई है, और इस घर का पूरा जिम्मेदारी अभी मुझे ही करना पड़ेगा। और अब मेरे पास पैसा भी है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ रहना है। दीदी रोना मत, भगवान ने हमें जिंदगी रोने के लिए नहीं दिया है। दीदी ना जाने उस दिन जो मुंह में आया वो सब बता दिया, मगर अब घर छोड़कर जाने के बाद हम एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई। दरवाजे पर अगर छोटी सी शब्द आए तो तुरंत वहाँ जाकर देख लेते हैं हम, किसी ऑटो के शब्द सुना है तो बस माँ दौड़ कर आती थी। हम थोड़ी दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो माँ और पापा? वो भी, वो दोनों उस हालत में नहीं है दीदी। इतना दारू पी पी के वो दोनों अभी एक दूसरी दुनिया में है। अल्कोहलिक डिप्रेशन, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने एक डी एडिक्शन सेंटर का पता लिया है और सभी अरेंजमेंट्स भी किया है, वो लोग जल्दी ठीक हो जाएगा। उन लोगों को डी एडिक्शन सेंटर में भेज दोगी फिर मुझे? मैं हूँ ना तेरे लिए, और तुम मेरे साथ आओगे। तैयार हो जा। हाउस ओनर जो है वो यहाँ रहती है, वो है हमारा सेक्शन, आजा। हेलो। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। मोबाइल स्विच ऑफ है क्या? क्या हुआ? हाँ मैंने स्विच ऑफ किया था, गुरुजी ने भी ट्राई किया था इसलिए उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था। मम्मी और पापा को डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट किया है इसलिए थोड़ा लेट हुआ। कार्तिका ये कौन है पता है? ये है मेरी छोटी बहन। हाँ मुझे पता है। लीसा बहुत साल से जानती हूँ उसे, और एक साथ ऐड भी किया है हमने। कहाँ है हमारा स्टार? नेताजी नगर वसंता। ये डुप्लीकेट माल है, ओरिजिनल नहीं है, वो हमें बेवकूफ बना दिया। लोला हाँ? तुम्हें चाहिए तो एक ग्लास पियो, नहीं तो मेरा पेट दर्द हो जाएगा। मुझे अभी नहीं चाहिए मैडम, लास्ट में पी लूंगी। रानी आप शुरू किया? आजा आजा बैठ जाओ। आज का वर्क क्या है बताओ? एक लो क्लास एल्बम है। तब तो उसमें प्रोड्यूसर होगा हीरो। सच में ग्रानी? वो कैश दिया क्या? 5,000 दिए। सुपर, एक ही दिन में था ना तुम्हारा शूटिंग का काम? आज लोगों का कितना कुछ है, हमारा जमाने में एक महीने तक शूटिंग करको को भी तो भी हमारा पैसा नहीं मिलता है। तुम एक बात बताओ, प्रोड्यूसर कुछ मांगा गया क्या? हर बार मांगा है। तो क्या हुआ? मैं उसे चालू से बात की ग्रानी। हाँ क्या हाल चाल की? मैं उसे उल्लू बनाए और कुछ नहीं। क्या है ये नानी, आप है ना हमारा रोल मॉडल, हम भी ये सब सीख जाएंगे। अभी ये सब देखकर सीखेगा तो मार डालूंगी मैं। रहने दो। अरे वाह, ये कौन है नया अवतार बताओ? ये है लीसा, मेरी छोटी बहन। ओहो ये एलिजाबेथ, दोनों का झगड़ा खत्म हुआ, बहुत अच्छा है। हमारा लाइफ तो बहुत छोटा है, किसी से भी हम लोग झगड़ा मत करना, स्पेशली दोनों बहनों के आसपास। सुनो लीसा, तुम शाम को नहाती हो या नहीं? हाँ है ना। मैं आने से पहले नहा कर ही आई थी। फिर भी ज्यादा दूर ट्रैवल किया ना, रोड में सब पोल्यूशन है मालूम है? पोल्यूटेड का मीनिंग मालूम हुआ? 10th स्टैंडर्ड जो है। मैं तुम्हारा कान खींचूंगी। आज का लेसन है क्या?
घर के बुजुर्गों लोगों को क्या क्या बात बताते हैं वो सब छोटों लोगों को अच्छे के लिए है। अभी सीख लो, औरत लोगों को तीन गुण सीखना पड़ता है। एक, नाखून से बाल तक शरीर फुल शुचित्व होना चाहिए। दूसरा बात, हमारा शरीर का फुल खुशबू होना चाहिए। तीसरा, औरत लोग ऊंची आवाज में किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। ये तीन गुण संपन्नों वाले औरत लोगों को देखने के लिए सौंदर्य भी नहीं लगता, तो भी मर्द लोग वो औरतों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, औरत लोग फुल मेकअप डालकर घूमती है ना। एक बात बताऊं, राउंड फेस, बड़े बड़े आंखें, सफेद चेरी जैसा लिप, लेकिन वो लोग मुंह खोलेगा तो इतना दुर्गंध अंदर से बाहर आएगा सुनकर सब लोग दौड़ेगा। दूसरा, औरत लोगों को इतना बाल होगा, इतना बाल होगा, उन लोगों के सामने चलकर देखो तो भी दुर्गंध से उल्टे आ जाएगा हमको। इस तरह लोगों के पीछे बेस में खड़े हो जाओ तो भी हमारा जीवित फुल नफरत हो जाएगा। दूसरा, औरत लोगों को इतना सुंदर होगा हम देख ही रह जाएंगे। वो लोग बात करके देखो तो भी दो मील दूर से आवाज सुनना पड़ेगा। औरत लोग केयरलेस होगा तो भी बहुत दुर्गंध होगा। मैं छोटा करके बता दूंगी, दुर्गंध औरत लोग घर के लिए अच्छा नहीं है। आज का पाठ खत्म हुआ। आप कब सो रही है? मेरे को पुराना विचार ज्यादा ही सोचना पड़ता है। तुम सब लोग किचन में जाकर खाना खाकर सो जाओ। लोला, लिसा, कम। क्या हुआ, डांस करके आती है क्यों है? देखो अभी आप चार पैक पी चुकी हैं। एक बात और, अभी आपको खाना चाहिए तो पेट में जगह है ना, तो बताओ। इसको हसरत खाना भी चाहिए। आजा। हाँ, तुम में से लीडर कौन है? सिर्फ वही आगे आ जाओ, ओके? आहा, अरे तुम ही लीडर हो? नहीं सर। तो फिर तुम क्यों आगे आए? अरे नहीं, सॉरी सर, अनजाने में ऐसी हालत में मैं सामने आके खड़ा हो जाता हूँ। कर खुश भी हो, हाथ ला, हाथ मिलाना। अरे नहीं। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेट, बहादुर का काम किया तुमने। वेलकम माय बॉय। जीवन की परवाह किए बिना बम को निष्क्रिय करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट आपका एहसानमंद है, और आप तीनों को गवर्नमेंट से पुरस्कार मैं अवश्य दिलाऊंगा, ओके? हाँ चलो। सर, कौन है ये? अंदर कर दो। सबके सब इसी के अंदर थे। बोंडा सोनी, उसे भी अंदर बिठाओ। अब्दुल हसन, आजा आजा, सबको एक एक करके अंदर बिठाओ। हरदोई आजाद, आजा आजा आजा, चल। अरे वाह, सब यहीं पर आ जाओ, आ जाओ। एक एक कूट डालो, आई बात समझ में? कौन है ये? सलमान, मुझे गिरफ्तार करो। ओके, मुझे गिरफ्तार करो। कमान अरशमे। क्या कहा? सलमान खान। अच्छा ये बताओ, ये नाम तुम्हें किसने रखा? सलीम खान ने रखा है, क्यों अच्छा नहीं है? मुझे गिरफ्तार करो। चल बोट, मुझे भी लेके जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? सुल्तान हो, मुझे मत मारो। देख, मोहन जदारो, पकड़ो, अरे पकड़ो। कहाँ लगे जा रहा? मोहन जदारो,
अरे कैसे आ गए? हाय हाय हाय, आजा मेरे यार। मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर। हाँ, इंटरपोल ने इसके सर पर 3 करोड़ का इनाम जो रखा है, हाँ, इसे पकड़ने वाले को 3 करोड़ का इनाम मिलेगा। हरी इम्मा। बम को निष्क्रिय करने के लिए मैं तुम्हें रिवार्ड दिला दूंगा। थैंक यू सर। मगर मोहनजोदड़ो के बारे में मुंह मत खोलना, वो इनाम हमारे लिए है। अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं तुम तीनों पर देशद्रोह का केस दर्ज करके आजीवन के लिए अंदर कर दूंगा। ओके सर। इसे हम किसी और दिन चेसिंग के द्वारा पकड़ेंगे। अरे भाई, पुलिस स्टाइल में है, है? तो फिर सारी बातें याद है ना? तो फिर ओके बाय। सर एक संदेह है, हमें सरकार से पुरस्कार दिलवाएंगे ना? अरे अरे अरे, इस चांद का शांत सा चेहरा ही देखा है तुमने अभी तक? क्रोध, विवत्स, वीर भाव, वात्सल्य, हिंसात्मक भाव, ये सब भाव देखना चाहते हो क्या? बोल बे। इसलिए बोल रहा हूं। ये सब क्या है यार, मोहनजोदड़ो, सिंगापुर और बम। अब जाके सचमुच की तसल्ली मिल गई है हमें, है ना सत्या? चल तू पानी में, बहुत दिन आया हो गया। अरे चल चल पानी के अंदर चल। अरे नहीं। अरे जब तक धन दौलत लड़की हमारी जिंदगी में नहीं आती तब तक हम ऐसे ही खुशी खुशी रहेंगे। अरे सुशील, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, वहाँ देखो मोहनजोदड़ो का गुंडा। भागो 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 भागो, जल्दी भाग लो भैया, यहाँ से निकल लो। अरे भाग लो भैया, जान बची तो लाटो पाए। अरे मोहनजोदड़ो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और पकड़ने की कोशिश करना आत्महत्या समान जो है। मैं कैसे बच के भागा तुम्हें पता है? मेरे सर पर 3 करोड़ का इनाम है और मैंने पुलिस को 5 करोड़ दिया। तुम्हारी वजह से मुझे कितने करोड़ का घाटा हुआ पता है? पुराना 1 करोड़ और अभी का 5 करोड़ खत्म नहीं हुआ। तुमने जिस कार को विस्फोट किया उसमें भी 3 करोड़ रुपए थे मेरे। उस दिन उस खंडर में डील हुई थी और उसमें मुझे 3 करोड़ रुपए मिले पता है? पूरे 9 करोड़। हाँ यार, पूरे 9 करोड़। कर्ज और बढ़ गया? अरे नहीं। मगर घबराओ मत, तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। जब दुश्मन मेरे पीछा कर रहे थे उसी रात मैं तुम्हारे घर आया। तुम्हारे सोने के बाद मैं घर से निकलकर सीधा अनजाने में दुश्मन के सामने पहुंच गया। जब वो टकला मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे तभी तुम लोग मेरी कार लेकर आकर मेरी जान बचाई। अगर 1 मिनट भी लेट करते तो मैं मर गया होता। पैसों से बढ़कर है जिंदगी, ये तुमने मुझे सिखाया और उस नेक काम का फल तुम्हें अवश्य दूंगा मैं। यार, अरे। और तुम्हारा इनाम ये है कि मैंने तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दिए हैं। क्यों, खुश हो ना? अरे खुशी मनाओ जाओ। आ?
हम क्या करेंगे? फिर से मंदिर का खाना खाएंगे? मोहन जोदाड़ो, तुमने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। सोने वाले को नींद से जगाकर बोला खाना देता हूँ, अब खाना भी नहीं और नींद भी नहीं। यार एक बात बता, मोहन जोदाड़ो मरा नहीं तो उस पेटे में किसकी लाश थी यार? कुछ भी होने दो यार, चलो। देख, मारने वाला भूल सकता है, देखने वाला भी भूल सकता है, पर मार खाने वाला कभी नहीं भूल सकता। वेस्ट फेंकने वाले का दुख तुम सबको पता होना चाहिए, इसका बदला मैं जरूर लेके ही रहूंगा। सैड होके सोना। मौजदारो हरप्पा। अरे हरप्पा की औला, चल नींद में खो जा। कहाँ है? हाँ इसके अंदर होगा। आज इन लोगों को एक सबक सिखा के ही रहूंगा। कूड़ा उठाने वाले का दर्द क्या है आज तुम लोगों को बता के ही रहूंगा। आज क्या हुआ, तुम लोग कभी चैन से नहीं रहोगे। तेरी वजह से ये सब हुआ है हरामखोर। जो करना था वो सब कर दिया। अरे तुझे तो, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा? ए, 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 जबान खिसक गई क्या? क्या हुआ सत्या, क्या हो गया उसे? ए, ए, उठना, चल उठ। अरे हा? ये अरे? क्या है? ये किसने रखा होगा? ये किसका है? अरे ये कहां से आया? कहीं कोई हमें फिर से उल्लू तो नहीं बना रहा? चलो खोल कर देखते हैं। अरे बाप रे, इसमें तो पैसे हैं। हे भगवान। यार ये पैसे मोहन जोदाड़ो भूल कर हमारे पास रख के गया है, पता है? समझिए, मतलब ये पैसे हमारे हैं। हमारे हैं? हमारे हैं। ये पैसे हमारे हैं। यार हकीकत में ये मोहन जोदाड़ो कौन है यार? अड़प्पा कौन है भाई? हमारे के... पिताजी मेरा बेटा, पिताजी पिताजी, प्यारा बेटा, पिताजी नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं पिताजी, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं पिताजी, मेरा प्यारा बेटा, कौन को जो चाहे वो अपना बच्चे हैं। इस दुनिया में जिसको नहीं चाहिए वो इस दुनिया में नहीं रहना है। इसको इस दुनिया में कोई चीज की जरूरत नहीं है। तुमको भी कोई चीज की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। तो इसलिए यहाँ से चली जा, चली जा। पहाड़ के ऊपर इब्राहिम उनके बेटे को लेके चला, बलि देने वाले अपने बेटे को लेके चला। ईश्वर का आवाज सुना, उस बालक को हाथ न लगाना, लेकिन ये मरने वाला है। मैंने तय किया बाइबल के सच्चाई के ऊपर, ये मेरी इच्छा है, इनको जन्म देने वाले का इच्छा। इतने दिन जिंदगी जीने के लिए इनको एक बेटा था, आप किसके लिए ये दोनों जिएंगे हे खुदा? और इस उम्र में मास्टर जेल भी जाना पड़ेगा।
अब नसीब को कौन टाल सकता है। अब किसके लिए ये दोनों जिएंगे फादर? भगवान की इच्छा को कौन टाल सकता है, हम तो सिर्फ साधारण इंसान ठहरे हैं ना। आजा आजा आजा। हम दुर्बल को कभी धोखा नहीं देते। हम दुर्बल को कभी धोखा नहीं देते, जैसे भगवान उनके बच्चों को धोखा नहीं देते। हम दुर्बल को कभी धोखा। मास्टर जी, मास्टर जी। छोड़ यार। एक छोटा पौधा जब पेड़ बन जाते हैं, उस जहर को खाते हमारी तितलियां और चिड़िया। एक छोटा पौधा जब पेड़ बन जाते हैं, उस जहर को खाते ये चिड़िया और तितलियां। रोना मत ये चिड़िया को देखकर, तू रोना नहीं इस चिड़ियों को देख। एक देखे तो मास्टर जो किया है वो अच्छी है, गांव वाले करने से पहले उन्हीं ने उनको मार दिया। अरे लेकिन पागलपन के कारण कोई अपना बेटे को मारेगा क्या? हे भगवान, कोई पिता ऐसा कर सकता है क्या? ए, चलो हटो हटो। हाँ सुनो। चलो चलो चलो, काफी है, चलो उठो उठो। दीदी रोना मत, दीदी रोना मत, संभालिए ना अपने आप को। आंटी मेरे बेटे, तेरा सांस चल रहा है कि नहीं पता नहीं। कृष्णा तू कभी चोरी ना करना। तुम्हारे बेटे को अभी कितना उम्र हुआ? 11। मास्टर एक आदमी को कैसे मार सकते हैं? मार डाला। खूनी का ज्ञान चोर को क्यों? नहीं आप बताइए, मैं मास्टर लोग को बहुत मानता हूँ, आप सही में किसी को मारे हैं क्या? मेरे से विश्वास नहीं हो रहा है। ये बच्चे को पढ़ाने वाले मास्टर और वो भी राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड मांगने वाले, आप कैसे मार सकते हैं? नहीं सब झूठ बोल रहा होगा। नहीं मैं मार डाला। और वो भी किसको जानना नहीं है, अपने औलाद को, मेरा ही खून का बना हुआ, मेरा अपना औलाद को। 6 साल तपस्या और पूजा करने के बाद हम लोग को मिला था, जहर था वो, नई दुनिया का जहर, जान से मार डाला, यही हाथ से मार डाला। मास्टर मार डाला, मैं मेरे बेटे को मैं मार डाला, मेरे अपने बेटे को मैं मार